ओके, तो एक बार फिर से बिटकॉइन कॉइन यहाँ पर पंप कर गया है। मार्केट में जिस तरह से शुरुआत हुई थी, बिटकॉइन कॉइन ने ही सबसे पहले पंप दिखाया था, उसके बाद ई कैश कॉइन, फिर जाकर मैटिक कॉइन और बाकी सारे कॉइन्स पंप कर गए थे। लेकिन आज की डेट में एक बार फिर से बिटकॉइन कॉइन पंप कर गया है। रीज़न यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि इसकी चेन से रिलेटेड एक अपडेट आ चुकी है, जहाँ पर ये चेन के अंदर एडवांसमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन कॉइन आपको नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट प्राइस पर जाता दिखाई देगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन कॉइन के बारे में। आज जो इसका प्राइस है वो करंट प्राइस में ये कॉइन 4 जीरोस लगाता हुआ 7 की सीरीज पर चल रहा है। बिटकॉइन ओल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन जैसे ही रिडिनोमिनेशन हुआ यहाँ पर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला, और साथ ही में सप्लाई में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट डे के हिसाब से इसका जो स्टैट्स है वो 24 आवर्स के अंदर 19% तक बुलिश बता रहा है। आप देख सकते हैं ओवरऑल मंथली वाइज भी ये कॉइन अच्छा खासा पंप कर गया, जहाँ पर इसने अपने प्राइस में लगभग 2 डिजिट का इंक्रीमेंट दिखाया है। 0.4x05 पर ये चल रहा था और अब 7 की सीरीज पर आ चुका है। ओवरऑल जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है वो 0.0002 रुपीस के आसपास रहा है, और लगभग 72% का अंतर रह गया है इसके ऑल टाइम हाई से लेकर तो अब तक के प्राइस में। तो क्लियरली काफी अच्छे इंडिकेशन हमें बिटकॉइन से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर चेन की जातक में बात करूँ तो इसकी चेन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इसके इकोसिस्टम में आज की डेट में। तो आप देख सकते हैं इसके चेन के अंदर ही अच्छे खासे एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 6200 स्टेकर्स पूरे हो चुके हैं, 39.9 ट्रिलियन BTT लॉक्ड हो चुके हैं। यहाँ पर TVL जो हमें देखने को मिला वो 39.9 ट्रिलियन के आसपास था। उसी के साथ में ट्रॉन के साथ जब से इंटीग्रेशन हुआ है कोई बड़ी अपडेट चेन से रिलेटेड या चेन के अंदर कोई बड़ा एडवांसमेंट हमें देखने को अभी तक नहीं मिला था, और अब जाकर कोई ना कोई डेट आ रही है। तो टीम यहां पर थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रही है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन एवोल्यूशन की जहां तक मैं बात करूं तो यहां पर पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल हम सभी जानते हैं इसका एक बहुत ही तगड़ा प्रोटोकॉल है, जिसके कारण ही इसकी ब्लॉकचेन दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन मानी जाती है। 2018 के अंदर इसका ये फाइल शेयरिंग जो सिस्टम था, फाइल सिस्टम जो था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, BTFS को रिलीज किया गया, और BTFS से ही रिलेटेड आज की डेट में इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कई सारी अपडेट्स देखने को मिलती है। हालांकि ब्रिजिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कॉस्मोस के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, EVM बेस्ड चेन्स और ट्रॉन के साथ इंटरऑपरेबिलिटी लेयर को कनेक्ट किया गया। उसी के साथ में काफी सारे डिफरेंट चेन्स को ये कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ट्रॉन, इथेरियम और BNB चेन। चेन की जहां तक मैं बात करूं तो 7000 ट्रांजेक्शंस पर सेकंड करने का पोटेंशियल है इसके पास, और इसी के साथ में मेंटेनेंस काफी ज्यादा लो है। तो यहां पर ये कुछ एडवांसमेंट्स हो चुके हैं और आगे चलकर इसे और इंटरऑपरेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी चीजों के कारण ही, इन सारे डेवलपमेंट्स के कारण ही इसका प्राइस आज की डेट में इंक्रीज हो चुका है, जहां पर बिटकॉइन चेन पर अब बिटकॉइन की टीम जो है वो एक बार फिर से फोकस करना शुरू कर चुकी है। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं रिसेंटली केवल 1 घंटे पहले का ये ट्वीट है, जहां पर डेमोक्रेसी ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि फिर से एक बार ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक ट्वीट आ चुका है बिटकॉइन चेन से रिलेटेड, जहां पर कुछ बड़े एडवांसमेंट से रिलेटेड हिंट्स की जा रही है। साथ ही में BTFS फाइंडर का वर्जन 2.4.2 भी लाइव हो चुका है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन्हीं सारी बड़ी डेवलपमेंट्स के कारण ब्लॉकचेन के अंदर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज कर गया है। और जहां तक बात की जाए प्राइस प्रेडिक्शन की, किस तरह से हम इसे एक अच्छे खासे प्राइस पॉइंट को टच करता देखेंगे, क्या 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के मार्क को ही टच कर पाएगा या नहीं, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बुल रन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि 1 रुपए तक ये टच कर पाए। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मैक्सिमम प्राइस प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से लगभग 2 जीरोस को ये आराम से इस बुल रन के अंदर किल करता दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर मैं सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ पर इस बुल रन के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा, हम इसे एक नया टोकन ही कंसिडर कर चले तो ही बढ़िया होगा। बिटकॉइन ओल्ड से कंपेयर किया जाए तो बिटकॉइन ओल्ड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था 2021 के बुल रन में, लेकिन बिटकॉइन न्यू पूरी तरह से एक न्यू कॉइन कंसिडर करे तो यहाँ पर इसका रीडिनोमिनेशन के बाद तो कोई बड़ा रोल नहीं रहा है। 2 साल तक की कॉइन पूरी तरह से डंप रहा, और जहां तक बात की जाए 2023 की तो यहाँ पर उसके बाद से हमें अच्छे खासे ग्रोथ और हैशटैग्स देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली ये कॉइन 200% तक पंप कर गया, उसके बाद हमें 100, 150 और यहाँ तक की 80% की ग्रोथ आगे चलकर देखने को मिली थी। अभी के टाइम पर भी ये लगभग 20% तक पंप कर गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज 2024 की शुरुआत से ही काफी बढ़िया परफॉर्म करता नजर आया, अपने आप को और अच्छा बनाने की
की कोशिश की गई है, टीम की तरफ से भी थोड़े बहुत अफोर्ट्स डाले गए हैं, और इस तरह के परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स के प्राइस प्रिडिक्शन है वो लगभग 2 जीरोस को किल करने के बताए जा रहे हैं। मेरा पर्सनली भी यही मानना है, लेकिन यहाँ पर बिटटोरेंट के पास पोटेंशियल है अपने प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ दिखाने का। हालांकि क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी रैली हमें बिटटोरेंट के प्राइस में इस बुल रन के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिटटोरेंट की आपकी कब की एंट्रीज रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कब आपने इन्वेस्ट किया है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं? मेरा सजेशन तो यही होगा कि सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर आप बिटटोरेंट के साथ बने रह सकते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर बुल रन के अंदर चाहे तो प्रॉफिट्स लेकर एग्जिट ले सकते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही में बिटटोरेंट, अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स सभी कॉइन्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स को जानते रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।